नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट न्यूज एंड इंफरटेनमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए आईपीएल के 28वें मुकाबले में रविवार को आईपीएल 14 का शानदार शतक जड़ा। बटलर ने मैच के दौरान 64 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 8 शानदार छक्के लगाए। बटलर के शतक में मैच का एक तरफा रुख राजस्थान की तरफ मुड़ गया। डेविड वार्नर को सनराइजर्स की कप्तानी से हटा दिया गया। उसके बाद भी सनराइजर्स की टीम राजस्थान के बनाए 220 रनों के लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकी और 55 रनों से ये मैच हार गई। हैदराबाद की टीम 7 मैचों में ये छठी बार हारी है। मैच की शुरुआत में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और बैटिंग दी राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर आज पूरे रंग में नजर आए और ठोंक डाले 124 रन, जो कि इस आईपीएल सीजन का किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर भी है। बटलर का साथ दिया कप्तान संजू सैमसन ने, उन्होंने 48 रन बनाए। वो विजय शंकर की गेंद पर अब्दुल समद को कैच दे बैठे और अपना 50 मात्र 2 रनों से चूक गए। 20वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट खोकर 220 रन बनाए। हैदराबाद को 120 गेंदों में बनाने थे 221। हैदराबाद की टीम से ओपनर बल्लेबाजों मनीष पांडे और जॉनी बेरस्टो ने सदी हुई शुरुआत की, लेकिन पांडे 31 और जॉनी बेरस्टो 30 रनों पर ही आउट हो गए। इसके बाद आए कप्तान केन विलियमसन, जिन्होंने 20 रन ही बना पाए। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बल्लेबाज विजय शंकर, केदार जाधव, मोहम्मद नबी, अब्दुल समद, मोहम्मद राशिद, भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा सभी को बैटिंग मिली, लेकिन इनमें कोई भी बल्लेबाज 20 रनों के आंकड़े को नहीं छू सका। बचे बने राजस्थान के गेंदबाज क्रिस मोरिस और मुस्तफिजुर रहमान। मोरिस ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए, वहीं मुस्तफिजुर रहमान को 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। कार्तिक व राहुल तेवतिया ने भी 1-1 विकेट लिया। आज राजस्थान के स्टार बॉलर चेतन सकरिया खाली हाथ रहे, उनको कोई विकेट नहीं मिला। हैदराबाद ने 20 ओवर में मात्र 8 विकेट खोकर 165 रन बनाए और 55 रनों से अपना 7वां मुकाबला गंवा दिया। अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 7 मैचों में 3 जीत के साथ उसके 6 अंक हो गए हैं। शानदार 124 रन बनाने वाले जोस बटलर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।